हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के नए टॉपिक पे। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे जिसमें अभी तक हमने बात की है कि किसी भी कंपाउंड में क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अभी तक हमने बात की उसके नोमेनक्लेचर के बारे में कि उस कंपाउंड में नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, अभी तक हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का जिक्र किया कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, ये वाले कंपाउंड्स ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम अब बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक की, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंपाउंड किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, या उसमें जो फॉर्मेशन होती है कंपाउंड्स की वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, किस एंगल पे वो ओरिएंट होते हैं, किस एंगल से वो बॉन्ड बनाते हैं, या कौन सी शेप बनाते हैं। हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मतलब हमारा जो नया टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। हमारा एक नया टॉपिक है जो है केमिकल बॉन्डिंग, जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे हम वो नेट के लिए बात करें, चाहे हम वो गेट के लिए बात करें, चाहे हम वो IIT-JEE के लिए बात करें या जैम के लिए बात करें, हर किसी में केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हमारे पास जितनी भी टाइप की हाइब्रिडाइजेशंस हैं, जितने भी टाइप के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना, या हम उन सब कंपाउंड्स में कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, या हमारे पास में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है क्या चीज़? केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है, हम सबसे पहले इस वर्ड पे जाते हैं, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है, अगर यदि किसी ने भी पूछा कि ये दो आदमी हैं, जैसे हम अगर यदि डेली लाइफ में देखें, अपने आप से देखें कि सबके सब जितने भी जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। लिंक का मतलब है कि उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन है जो उनको एक दूसरे से बांध के रखता है। अट्रैक्शन मतलब, जैसे अगर यदि फादर है उसका अपने बेटे के लिए, मदर है बेटे के लिए, या किसी का भी आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, वो उनको उनकी फीलिंग्स के साथ में जोड़ के रखता है। जैसे इनके बीच में जो पिता पुत्र का जो बॉन्ड है वो इनके रिलेशन के पास में वो भावनाओं से रिलेटेड है, मतलब इनके बीच में जो फीलिंग्स हैं वही इनके बॉन्ड को निर्धारित करते हैं। उसी सेम तरीके से केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि हमारे पास में कोई भी जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपस में किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनने लग रहा है, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं। ये जो जोड़ है यही हमारे पास में बॉन्ड कहलाता है। अब ये वाला बॉन्ड, हमने यहाँ पे तो एक फीलिंग वर्ड दे दिया कि फीलिंग होती है, तो फिर हम इसे क्या बोलें? इसका मतलब होता है कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम इसको साइंस के टर्म में हमने कह दिया कि इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास में भी ये बॉन्ड इस तरीके से भी हो सकता है कि हम जिसमें ये कह दें कि ए और बी है, आपस में एक दूसरे के साथ में एक बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बनाने का मतलब है ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में लोकेटेड है, और जिनके बीच में हल्का सा कोई फोर्स है, मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आपस में एक बॉन्ड बनाएंगी। अब इनके पास में प्लस माइनस से भी बॉन्ड हो सकता है कि भाई ए के पास में प्लस हो, बी के पास में माइनस हो। ये बात तो श्योर है कि बॉन्ड बनने के लिए हमेशा अपोजिटली चीज़ आनी चाहिए, मतलब ये कि उसके पास में बॉन्ड तब बनेगा जब किसी ने कुछ छोड़ रखा है और किसी ने कुछ गेन करना होता है। यहाँ से आयनिक बॉन्ड प्लस कुछ और अलग टाइप के भी बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे अब केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो तीन तरीके से हो सकता है। दो तीन तरीके का मतलब है कि हमारे पास में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मे बी हमारे पास
कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मे बी यही हमारे पास बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, मे बी ये आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कोई वीक बॉन्ड हो, कोई भी वीक बॉन्ड हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग या वीक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। वीक बॉन्ड हमारे पास तीन तरीके से हो सकता है, वीक बॉन्ड तीन टाइप का हो सकता है, पहली दूसरी तीसरी, कौन कौन सा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं वीक बॉन्ड भी होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, या हम कह दें वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी हो सकता है, या फिर इंटर आयोनिक इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं, इंटर आयोनिक इंटरैक्शंस भी हो सकता है। हमारे पास इस तरीके से कोई भी बॉन्ड बन सकता है। हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होते क्या है, आखिर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, आज हम इनके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमने कहा, सपोज हमारे पास कोई भी दो बंदे हैं, ए और बी, एक ये है एक ये है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ए बी का बहुत अच्छा दोस्त है, बी ए का बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और दोनों के दोनों जब स्कूल में जाते हैं तो दोनों के दोनों हाथ पकड़ के जाते हैं, और दोनों पैदल घूमते स्कूल जाते हैं। अब एक दिन ऐसी कंडीशन आ गई इनके पास कि इन्होंने कहा, यार बहुत दिन हो गए स्कूल में पैदल जाते हैं, तो ऐसा करते हैं अब हम साइकिल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम स्कूल जाएंगे। अब दोनों ने क्या किया, 5,000 की 10,000 की जितने की भी साइकिल आई, मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं 2,000 रुपये इन्होंने दिए और 2,000 रुपये इन्होंने दिए, और दोनों के दोनों साइकिल लेके 2,000 मिलाए और एक साइकिल खरीदी और यहाँ से स्कूल गए। जब ये स्कूल गए तो उस टाइम में इनके जो और अदर क्लासमेट्स थे और अदर फ्रेंड्स थे, उन्होंने देखा कि इनके पास में साइकिल और इसके पास में साइकिल, दोनों के पास में साइकिल है, ये भी यूज़ कर रहा है उस साइकिल को अच्छे से, ये भी यूज़ कर रहा है, तो बाहर से देखने वालों ने कहा ये साइकिल तो ए और बी दोनों की है। मतलब किसी को ये नहीं पता है कि साइकिल में, क्योंकि दोनों का जो शेयरिंग है वो ए का भी उतना ही है जितना बी का है, मतलब दोनों ने 50-50% शेयरिंग की और उनसे एक साइकिल खरीद ली। इसी के अलावा एक कंडीशन और भी थी, मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ए एटम और बी एटम जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा थे, ए एटम है और बी एटम है, यहाँ पे ए एटम के पास में बहुत ज़्यादा रुपए हैं, पैसे वाला आदमी है, लेकिन बी वाला है ये बहुत ही गरीब है, पुअर टाइप का है, इसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो इसने कहा कि चलो यार दोनों साइकिल लेते हैं और साइकिल का यूज़ करेंगे और स्कूल जाया करेंगे। अब इसने कहा कि तेरे पास में तो पैसे हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसने कहा कोई बात नहीं है, मेरे पास में पैसे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, 4,000 रुपये मैं दे देता हूँ, सारे के सारे रुपए मैं दे देता हूँ, तुम तो सिर्फ यूज़ कर लेना। बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर यदि पैसे सारे आप दे रहे हो तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, साइकिल का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब दोनों के दोनों साइकिल को उसी सेम तरीके से, जिस तरीके से ये दोनों के दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उसी सेम तरीके के फ्रेंड्स ये यहाँ पर भी हैं, वही सेम साइकिल उसी तरीके से ये भी यूज़ कर रहा है जिस सेम तरीके से यहाँ पे भी यूज़ कर रहा था,
यहाँ पे ये अपना 50% देख के और वहीं सेम काम कर रहा था, वहीं पे इसने कुछ भी रुपए नहीं दिए, अपनी शेयरिंग नहीं की, उसके बावजूद भी ये सेम साइकिल का यूज़ कर रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे इसने 2000 रुपये दिए, यहाँ पे इसने 2000 रुपये दिए, यहाँ पे इसने सारे के सारे 100% रुपए इसने दिए और यहां पे इसका 0% शेयरिंग था, यहां पे इसका 0% शेयरिंग था। ये इनकी फ्रेंडशिप को दिखाता है, ये इनकी फ्रेंडशिप को दिखाता है। आइए हम इसका इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अगर यदि हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड और एक और होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास एक एटम आया ए और एक एटम आया बी, दोनों एटम आए, एक एटम आया ए, दूसरा एटम आया बी। उसी सेम तरीके से हमारे पास में एक और साइड में ए एटम आया और दूसरी साइड में आया बी एटम। अब जब भी मेरे पास में कोई भी बॉन्ड बनना है, कोई भी बॉन्ड बनना है, बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। अगर यदि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाएं तो हमारे पास में एक बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और अगर यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाते हैं तो हमारे पास में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन ये कि ए एटम और बी एटम आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ए एटम बी के साथ में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो ए ने कहा मैं बॉन्ड बना लूंगा, बी ने कहा मैं भी बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन मेरे पास में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसी के साथ में ए एटम ने कहा मेरे पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दो और 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, हम दोनों के दोनों आपस में शेयर कर लें और हम कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना लें। ए एटम और बी एटम आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और हमारे पास एक बॉन्ड बना लेते हैं। उसी के अपोजिट एक एटम है जिसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आ जाए और दूसरा एटम खाली आ जाए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक एटम लेके आ जाए और दूसरा एटम खाली हाथ आ जाए और कह दे कि मेरे पास नहीं है कुछ भी, आपको देना पड़ेगा जो भी दोगे आप। तो यहाँ से हमारे पास ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से भी तो वो बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ए एटम बी एटम के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ए एटम ने कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे पास हैं, क्या आपके पास में खाली घर है क्या किराए पे देने के लिए, तो बी ने कहा मेरे पास खाली घर है, तो इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, वो बन रहा है कुछ इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ए एटम बी एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है, वो कुछ इस तरीके से बना रहा है। कैसे बना रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है हम ऐसे बॉन्ड जहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम देगा और दूसरे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, 1 एटम कंटेन्स वैकेंट ऑर्बिटल एंड 1 एटम कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो, और जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है वो, यहां पे क्या हो रहा है, बोथ एटम्स कंटेन सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास में
सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ये क्या करेंगे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और कुछ इस तरीके का बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन हो जाए जहाँ पे हमारे एक एटम के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और दूसरे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जिस टाइप का उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन कि जिसमें हमारे पास में एक बॉन्ड बना जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐसा बॉन्ड जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन से एक एटम लेके आएगा और दूसरे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इनको इनके लिए हम एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मेटल और लिगेंड्स के केस में, जहाँ पे एक के पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जिसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग या हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितने भी हम बॉन्ड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे हम कोवेलेंट बॉन्ड से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये फंडामेंटल बेसिक है जिसके बारे में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग, हमने इसके बारे में बात की है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है और जिसके पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो हमारे पास में थे जिनके बारे में हमने बेसिक से देखा बात की। एक होता है हमारे पास में आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर यदि मान लेते हैं आयोनिक बॉन्ड का मतलब ये है, जैसे हमें किसी को भी आपस में बॉन्ड बनाना है, ए एटम है बी एटम के साथ में बॉन्ड बनाना चाहता है, दोनों आपस में फ्रीली रैंडमली घूम रहे हैं, फ्रीली आराम से ये इधर घूम रहा है ये इधर घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है, ना इसको कोई मतलब है ना इसको कोई मतलब है, आराम से अपनी दुनिया में मस्त है। यहाँ पे ए एटम ने देखा बी एटम है वो फ्री घूम रहा है, बी एटम ने देखा ये अपनी दुनिया में अलग घूम रहा है, फिर इसके पास में कंडीशन ये आ गई, ए एटम ने कहा कि मैं कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता हूँ, मैं किसी इलेक्ट्रॉन को, हर कोई चीज़ ये चाहती है अपने आप को स्टेबल होने के लिए, सबसे पहली बात हर कोई एलिमेंट या जितने भी कोई भी है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो सब के सब स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में लेके जाना चाहते हैं। जैसे अगर यदि हम आपसे बोले कि हमें कोई एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ तो मतलब वहाँ पे मैं स्टेबल हो जाता हूँ, वहाँ से मुझे कोई हटा नहीं सकता है, वहाँ पे मैं फिक्स हूँ, लेकिन बस फर्क इतना है वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, कोई उठा के फेंक दे साइड में, ट्रांसफ़र हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ जाती है। वही सेम चीज़ सारी की सारी दुनिया अपने आप को स्टेबल करना चाहती है या गवर्नमेंट का एक हिस्सा होना चाहते हैं। यहाँ पे एक एटम ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूँ तो मैं अपने आप को स्टेबल बना लूँगा, मैं अपने आप को स्टेबल बना दूँगा। जैसे हमने कहा सोडियम, सोडियम के वैलेंस में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 11 है, इसके वैलेंस में ये होता है नियोन 3s1। मतलब ये है कि कोई भी जो पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और वो स्टेबल बना के अपने आप को वो नोबल गैस पे लेके आना चाहते हैं। वो नोबल गैस पे तब आएंगे जब उनके वैलेंस में जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो उनको निकाल दें और वो अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में लेके आ सकते हैं। या तो वो
सोडियम के पास में कंडीशन है या तो वो नियोन के पास आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर है 10, या फिर वो अपने आप को स्टेबल करके आ जाए आर्गन पे जिसका एटॉमिक नंबर है 18। यहां पे सोडियम की कंडीशन ये है कि वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो अपने आप को 10 पे चला जाएगा अपने आप को स्टेट को लेके, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले तो वो 18 पे आ जाएगा। उसी सेम तरीके से अगर यदि हम दूसरी तरफ क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास में कंडीशन है और वो ये है कि इसका एटॉमिक नंबर है 17। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये 18 पे आ सकता है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे नियोन पे आ सकता है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे धर्म संकट में खड़े हैं कि जहां पे सोडियम के पास में तो ये कंडीशन है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो सोडियम प्लस बना लेगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्लोरीन तुरंत यही वेट कर रहा है कि किधर से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं तुरंत Cl- बना दूंगा। मतलब ये कि सोडियम की कंडीशन ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। वो स्टेबल कहां आएगा? जब वो नोबल गैस पे आ जाएगा। वहीं पे क्लोरीन की कंडीशन ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो नोबल गैस पे चले जाएगा और आर्गन होता है। यहां से हमारे पास में पॉजिटिव पॉजिटिव सोडियम प्लस, जैसे बना इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे एक्सेप्ट किया प्लस चार्ज आ गया और माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर गए, अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, दोनों के बीच में तकरार हुआ, और तकरार होते ही यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने एक बॉन्ड बनाया या एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप किया। Na प्लस Cl2 हमारे पास में गैसीय स्टेट में आया, गैसीय स्टेट में आया, या हम कह सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आपस में मिलते हैं और हमारे पास बना लेते हैं NaCl टाइप का एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस से मिलके बनता है, आयंस की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है, वो हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं, और जहाँ पे आयंस की शेयरिंग से बन रहे हैं उनको हमने बोला आयोनिक बॉन्ड्स। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास में वीक फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज जिसमें वंडरवॉल इंटरैक्शंस का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल इंटरैक्शंस, जितने भी वीक फोर्सेज हैं, वीक फोर्सेज का मतलब हो गया कि हम जिन बॉन्ड्स को इजीली डिसोसिएट कर सके, इजीली डिसोसिएट कर सके, मतलब ऐसे बॉन्ड जिनको बनने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड और वीक फोर्सेस, हम उनके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास में वीक फोर्सेस में हम अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली कहाँ फॉर्म होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ये मोस्टली एफ ओ और एन तीन कंपोनेंट्स बनाते हैं, मोस्टली फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज़ कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं पे हमारे पास में ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू होती है 3.5, लेकिन हम क्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन है, और वो क्या है कि साइज स्मॉलर होना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं के साथ में कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और सेकंड कंडीशन जहाँ पे साइज स्मॉलर होगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी।
तो इसीलिए हमारे पास मोस्टली एफ ओ एन फोन में ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम इसकी आगे फर्दर बात करेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे उनमें हम बातें करेंगे इनके बारे में। दूसरा हमारे पास होता है वंडरवॉल्स, मतलब ये वंडरवॉल्स का मतलब होता है हमारे पास नॉर्मल जो बॉन्ड बनते हैं एक दूसरे के साथ में आके जस्ट स्ट्राइक करना एक दूसरे को, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी बहुत सारी गैसेज हैं वो फैली हुई है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में है, वो एक दूसरे के साथ में जस्ट स्ट्राइक कर रही हैं, ऐसे आई और चिपक गई, ऐसे आई चिपक गई, ऐसे आई इसके ऊपर रखा गया। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेज, जिन्हें हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उनके बारे में ही बात करते हैं। वीक फोर्सेज ऐसे फोर्सेज होते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारे पास में आज का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्ड किस किस टाइप के हैं और किस किस तरीके का उनमें अरेंजमेंट होता है। अभी हम इसी में आगे बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को हम अब आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हम उसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक्स को हम डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे हम उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आपका यहीं की यहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।